हमने बहुत बार इस बात को कहा है कि किसी भी कण की चाल प्रकाश के निर्वात में जो उसकी चाल होती है उससे अधिक नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए हमने दो समीकरणों की सहायता भी कई बार ली है। जो कुल ऊर्जा है E बराबर एम नॉट सी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर, इसकी सहायता से भी हमने ये बात लाने की कोशिश की है कि अगर वेलोसिटी को हम c बना दें तो ये जो हर है इस भिन्न का ये शून्य हो जाता है, और इसलिए ये पूरी एनर्जी इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है, और इतनी ऊर्जा हम किसी भी तरह से फोर्स लगा करके और उसको दे नहीं सकते हैं, और इसलिए आप कुछ भी करो वो कण की वेलोसिटी आप सी तक नहीं पहुंचा पाओगे, उससे कम ही रखोगे। तो ये एक हमने कहा था। इसी प्रकार से हम लीनियर मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं। जो लीनियर मोमेंटम है उसका भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही है, एम नॉट वी बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं, उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ता जाए, लेकिन कितना, अगर हम स्पीड को यहाँ भी वी बराबर सी करने की कोशिश करें तो ये शून्य से भाग लग करके और ये सब इन्फिनिटी की तरफ मामला भागता है। तो इसका उपयोग करके हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की स्पीड आप सी तक पहुँचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा गणित कर सकते हैं हम लोग, और गणित ऐसा कर सकते हैं कि इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं E इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर एम नॉट सी स्क्वायर। और ऐसी हालत में अगर हम अनंत ऊर्जा की बात नहीं भी करें और हम किसी भी फाइनाइट उसकी क्वांटिटी रखें, ये E कुल ऊर्जा, और V बराबर C रख दें, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं V बराबर C रखने से ये ज़ीरो, और E इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो, अर्थात M नॉट बराबर ज़ीरो। तो एट V इक्वल टू C या V बराबर C होने पर, V बराबर C होने पर भी जो कुल ऊर्जा है वो फाइनाइट रह सकती है, अनंत होने की ज़रूरत नहीं है, होने पर भी कुल ऊर्जा सीमित हो सकती है, यानी अनंत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहें कि 10 जूल तो E बराबर 10 जूल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यदि M नॉट बराबर जीरो। इसको हम 10 जूल रख दे, V बराबर C रख दे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट गणित ऐसा कह रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि जब आप इसको गुणा करेंगे 10 जूल को और इससे V बराबर C रखेंगे, ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो M नॉट को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो M नॉट ज़ीरो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं कर सकते हैं, प्रोटॉन को तो नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को तो नहीं कर सकते हैं, किसी एटम को तो नहीं कर सकते, किसी मॉलिक्यूल को तो नहीं कर सकते, मेरे हाथ में कोई सॉलिड है उसको तो हम नहीं कर सकते, धूल का एक कण है उसको तो हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कण हों, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स उनके अलावा, जिनके लिए जो ये एम नॉट है वो ज़ीरो हो जाए? अगर वैसा हो सकता है तो फिर हमें उसकी ऊर्जा 10 जूल भी बना सकते हैं, 20 जूल भी बना सकते हैं, 1 जूल भी बना सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बना सकते हैं, कर सकते हैं V बराबर C। और तब V बराबर C होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर M नॉट ज़ीरो है तो ये साइड ज़ीरो है, और ये साइड अगर ज़ीरो है तो ये साइड को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो अब भले ही वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो
या एक जूल हो या पाँच जूल हो, अगर एम नॉट ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो अगर होना है तो इसी को ज़ीरो बनाना है, क्योंकि इसको तो हम कह ही रहे हैं कि हम कुछ उसकी सीमित ऊर्जा देना चाहते हैं उस पार्टिकल को, अनंत नहीं देना चाहते लेकिन कुछ देना चाहते हैं उसको। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो होने का मतलब है कि V बराबर C ही होगा। तो अगर V बराबर C हो तो कुल ऊर्जा हमारी सीमित हो सकती है, हाँ, और वो तब हो सकती है जबकि M नॉट ज़ीरो हो। और इसका उल्टा भी सही है, यदि M नॉट बराबर ज़ीरो तो V बराबर C होना ही पड़ेगा, V बराबर C होना ही पड़ेगा, जिसका भी M नॉट बराबर ज़ीरो हो तो V बराबर C होना ही पड़ेगा। ऐसे कण होते हैं क्या, ये अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो एरिथमेटिक है, ये जो गणित है, वो इसकी इजाज़त देता है। और इसी तरह से आप इस लीनियर मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं। अगर इस लीनियर मोमेंटम की बात करें, इस एक्सप्रेशन को भी आप लिख सकते हैं पी गुना स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये बराबर एम नॉट वी। तो अभी जैसे हमने यह कहा v बराबर c नहीं कर पाओगे, v बराबर c करोगे तो यह अनंत हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर हम v बराबर c कर दें तो ये ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है एक सीमित वैल्यू देने पर भी, इन्फिनिट देने की ज़रूरत नहीं है, अनंत देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका कोई भी वैल्यू दें, फाइनाइट वैल्यू दें, अगर v बराबर c होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो होने का मतलब फिर से m नॉट ज़ीरो, और m नॉट अगर ज़ीरो है तो फिर वैसी हालत में आप यहाँ से देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये ज़ीरो है, v बराबर c होने पर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो m नॉट ज़ीरो होने पर v बराबर c होना ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे विश्व के अंदर में इस तरह के कण हैं जिनका एम नॉट ज़ीरो है और जो वी बराबर सी चाल से चलते हैं। तो एक चीज़ तो हमें पता है जो वी बराबर सी चाल से चलती है, और वो लाइट, और ये भी हमें पता है कि लाइट जो होती है उसमें द्रव्यमान नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें प्रोटॉन्स नहीं होते, उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, उसमें मटेरियल नहीं होता। तो क्या ये जो लाइट है, लाइट को हम कण के रूप में ला सकते हैं? अगर हम उसको कण के रूप में ला सकेंगे तो उस कण का, उन कणों का रेस्ट मास ज़ीरो होना पड़ेगा, वी बराबर सी हो सकता है, और ऊर्जा भी अनंत नहीं होना ज़रूरी है, ऊर्जा भी सीमित हो सकती है अगर एम नॉट बराबर ज़ीरो हो। तो लाइट जो है वो अगर कणों के रूप में बताई जा सके तब उसके लिए ये सारी बातें हो सकती हैं। V बराबर C तो होता ही है लाइट के लिए, हमें पता ही है, उसका एम नॉट हम ज़ीरो लेकर के और अपने इन इक्वेशंस का उपयोग कर सकते हैं। तो लाइट को कणों के रूप में लिया जा सकता है क्या? तो इसकी तो बहुत रोचक हिस्ट्री है, इतिहास है इसका। न्यूटन के समय से न्यूटन ने तो इसको कण ही लिए थे, 17वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में जब न्यूटन ने इस ऑप्टिक्स के ऊपर, लाइट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, परावर्तन, अपवर्तन, इनके रंग, इन सब के जब उन्होंने प्रयोग किए तो उन्होंने तो यही सिद्धांत बताया, उन्होंने तो यही सोचा कि प्रकाश जो है वो कणों का समूह है। जब आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में से कण निकलते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक कण निकलते हैं, और वो सभी कण प्रकाश के वेग से चलते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन आपको ये भी पता है कि बाद में जब इसके व्यतिकरण के प्रयोग हुए, विवर्तन के प्रयोग हुए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बाद में पोलराइजेशन, तब समझ आया कि नहीं नहीं ये कण तो है ही नहीं, ये तो तरंगे हैं। और मैक्सवेल इक्वेशन से हमने इस कोर्स की शुरुआत की थी, और उस समय में हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सी वेलोसिटी से चलते हैं, उन मैक्सवेल्स इक्वेशंस में से निकल करके आता है। और तब आइडेंटिफाई किया था कि जो लाइट है
वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है स्पेस में और टाइम में, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वहाँ सब जगह है, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, और टाइम में भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश, जो कि सी वेलोसिटी से चलती हैं, और ऐसा मैक्सवेल्स के इक्वेशंस में से भी निकल करके आता है। लेकिन उसके भी बाद में 19वीं शताब्दी के आखिरी में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सामने आए जिसमें कि ये जो प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में वर्णन है उससे काम नहीं चला। आप जरूर जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, जिसमें एक मेटल के सरफेस के ऊपर अगर आप एक प्रकाश की तरंग डालें उचित तरंग दैर्घ्य की, कोई मेटल की प्लेट हो और उस प्लेट के ऊपर ये धातु की प्लेट है, और इस प्लेट पे अगर आप एक रोशनी डालें जिसका एक खास उचित तरंग दैर्घ्य हो, तो ऐसा कई बार होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यानी जो प्रकाश की ऊर्जा है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलती है और उससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसको प्रकाश विद्युतीय प्रभाव कहते हैं। अगर हम यह मानकर चलें कि ये विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तरंग, उसके अनुसार ये ऊर्जा यहाँ आ रही है, उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो जो हमारे प्रयोग में परिणाम हैं वो सामने नहीं आते, उनसे उसकी व्याख्या नहीं होती है। यहाँ पर हमें ये मानना पड़ता है कि ये जो आ रहा है प्रकाश, ये कणों के रूप में आ रहा है, और एक कण एक बार में एक इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रतिक्रिया करता है, उसको अपनी ऊर्जा देता है, और वो इलेक्ट्रॉन इस कण की ऊर्जा लेकर के बाहर निकलता है। ऐसा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स में से निकल करके आता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कण मानने ज़रूरी पड़ते हैं, प्रकाश को कणों का समूह ऐसा मानना ज़रूरी पड़ता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश को कणों का समूह मानना पड़ता है। लेकिन प्रकाश चाहे कण हो, तरंग हो, कुछ भी हो, चलता तो उसी वेलोसिटी से है, सी वेलोसिटी से चलता है। उसकी निर्वात में चाल तो उतनी ही है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो चाल है वही है। अगर ये कण है तो फिर ये ऐसे वाले कण हैं, फिर ये ऐसे वाले कण हैं जिनका वी बराबर सी है, और वी बराबर सी होने पर जो कुल ऊर्जा है वो सीमित रह सकती है अगर एम नॉट बराबर जीरो हो। तो यानी ये जो कण होंगे ये एम नॉट बराबर जीरो वाले कण होंगे, जीरो द्रव्यमान के कण होंगे ये जो कण हैं प्रकाश के कण या विद्युत चुंबकीय तरंगों के कण, ये कण जो हैं इनका विराम द्रव्यमान एम नॉट बराबर शून्य होगा। तो जितनी हमारे प्रकाश हैं, और इन जनरल विद्युत चुंबकीय तरंग एक्सरे है या गामा रे है, ये जितने प्रकार माइक्रोवेव्स हैं, ये जितने प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे,
उनको हम कभी कभी हमें कणों के रूप में भी लेना पड़ेगा और कभी कभी हमें तरंगों के रूप में भी लेना पड़ेगा। ये एक पूरा अलग विषय है कि एक ही जो प्रकाश है या एक्सरे है या गामा रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कभी वेव के रूप में भी सामने आती है और वही चीज़ कभी पार्टिकल्स के रूप में, कणों के रूप में भी सामने आती है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रकाश को हमें कई बार कणों का समूह लेना पड़ेगा और वैसा जब भी करना पड़ेगा तो उसका द्रव्यमान मुझे शून्य लेना पड़ेगा, विराम द्रव्यमान उसका शून्य लेना पड़ेगा। और केवल ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। आपने हाइड्रोजन एटम के रचना के बारे में सुना होगा, उसमें से जो प्रकाश निकलता है उसके कुछ खास खास वेवलेंथ्स आते हैं, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसको भी समझने के लिए हमें प्रकाश को कणों के समूह में मानना पड़ता है। अगर हमने एक ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन रखा स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम, अगर एक ट्यूब के अंदर में हमने हाइड्रोजन रखा, किसी ट्यूब में अगर हमने हाइड्रोजन रखा है और उस ट्यूब में हम फिर वो इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह करके और इसमें से रोशनी निकाले, जो ऑरेंज कलर की रोशनी निकलती है, उस रोशनी का अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं तो उसमें कुछ खास खास वेवलेंथ आते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ऐसे खास खास वेवलेंथ्स आते हैं, खास खास तरंग दैर्घ्य रहती है, वही वही रहती है, कम ज़्यादा नहीं। तो इसको समझने के लिए कि यही यही क्यों है और सभी प्रकार की क्यों नहीं है, फिर से हमें इस प्रकाश को जो या निकल रही है रोशनी उसको कणों के समूह में मानना पड़ता है। ऐसे अनेक प्रयोग हैं जो रेडिएशन है, विकिरण, जैसे सूर्य से आता है, जैसे सूर्य से आता है जो रेडिएशन आता है, जो लाइट आती है, तो लाइट तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ना, सूर्य से बहुत कुछ आता है, बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट आते हैं जिसको कि जिससे बचने के लिए हम लोग सनक्रीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंफ्रारेड आते हैं जो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, गर्मी का अनुभव कराते हैं, सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में ख़राब लगता है। तो वो जो विकिरण आता है सूर्य से, उसमें ऊर्जा अलग अलग तरंग दैर्घ्यों में अलग अलग ढंग से बटी हुई होती है। जो प्रकाश है वो कहते हैं 400 नैनोमीटर से और 700 750 नैनोमीटर तक का उसका तरंग दैर्घ्य का रेंज है। तो अगर आप कहें 400 से 425 नैनोमीटर कितनी ऊर्जा, 425 से और 450 नैनोमीटर कितनी ऊर्जा, 450 से 475 कितनी ऊर्जा, तो ऐसा अगर आप ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन देखें वेवलेंथ्स में, तो वो जो वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो कुछ इस प्रकार का उसका ग्राफ बनता है। अगर आप इधर को तरंग दैर्घ्य बना रहे हैं और इधर आप ऊर्जा से संबंधित उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं वो करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का संबंध आता है। इसको समझने के लिए भी उस जमाने में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इसको समझने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, और ये तभी समझ आया जब इस विकिरण को कणों के समूह के रूप में लिया गया। तो यानी ये जो हमारा रेडिएशन आता है, ये जो हमारे माइक्रोवेव्स हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव के चूल्हे होते हैं, या जो ट्रांसमिशन हो करके और हमारे रेडियो टीवी पर जो सिग्नल आते हैं, हर प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग कणों के समूह के रूप में कई बार अपने को प्रदर्शित करती है, और वो कण जब भी होंगे तो उनका द्रव्यमान हमें m बराबर जीरो लेना पड़ेगा। और तब हम इन समीकरणों में अगर हम जाते हैं तो कैसे करेंगे, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है उन कणों के लिए,
तो हम एक समीकरण हमारे बहुत काम आता है, ऊर्जा है, रेखीय संवेग है, उस कण का रेखीय संवेग है, वो सीमित है, फाइनाइट है, ऊर्जा है वो फाइनाइट है, लेकिन ये जीरो है। तो हम इन समीकरणों का सीधा उपयोग करके ऊर्जा नहीं निकाल पाएंगे और रेखीय संवेग नहीं निकाल पाएंगे, उनके अंदर में भी कोई संबंध निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन लेकिन हमने ये जो समीकरण इस्तेमाल किया था, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये इस शून्य द्रव्यमान वाले कणों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ये बराबर शून्य है क्योंकि एम नॉट बराबर शून्य है, एम नॉट बराबर शून्य है इसलिए ये पूरा शून्य है। और इसलिए यहां से हमें यह पता चलता है E बराबर पी सी, ये शून्य विराम द्रव्यमान वाले कणों के लिए यह संबंध निकल करके आता है। बराबर पीसी होना चाहिए। तो यहां से तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, ये हम 10 जूल भी ले सकते हैं, 20 जूल भी ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले सकते हैं, अगर ये जीरो है तो वी बराबर सी, काम खत्म। इसी प्रकार से यहां से भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यहां पर भी हम रेखीय संवेग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं ले सकते हैं। अगर हमने ऊर्जा फिक्स कर दी है तो रेखीय संवेग फिक्स हो गया है, और रेखीय संवेग फिक्स कर दी है तो ऊर्जा फिक्स हो गया है। E बराबर पी सी ये होना सभी में जरूरी है। लेकिन यही विकिरण, यही विद्युत चुंबकीय तरंग, यही प्रकाश तरंग के रूप में भी अपने को प्रदर्शित करता है। जब हम इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करें, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करें, तो वहां पे यही प्रकाश अपने को तरंग के रूप में भी लेकर के आता है, और तब हम तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। तो यानी इसी का एक रूप है तरंग, जिसमें हम तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, आवृत्ति की बात हम करते हैं, और दूसरी तरफ हम इसी विद्युत चुंबकीय तरंग को कणों के रूप में भी देखते हैं, तब हम उस कण की ऊर्जा की बात करते हैं, उस कण के रेखीय संवेग की बात करते हैं, और इनमें भी आपस में रिलेशन है, इनमें भी आपस में संबंध है। और ऐसे कणों के लिए हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा, हालांकि हम कण बोल रहे हैं और कण की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कण के रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं, लेकिन उस कण की ऊर्जा और रेखीय संवेग को हम तरंग के तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखते हैं, तभी हमारे साथ सभी डिस्क्रिप्शन सही आते हैं। और वो ऐसा है, ई ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो कण की है, वो प्लैंक का कांस्टेंट जिसको एच लिखा जाता है, प्रकाश का जो वेग है निर्वात में वो, और बटा लैम्डा, एक एक कण का इतना इतना उसकी ऊर्जा है, ये हमें लेकर के चलना पड़ता है। और ये रिश्ता है इसके तरंग दैर्घ्य के और इस ऊर्जा के बीच में। और इसी तरीके से आप रेखीय संवेग को लिख सकते हैं, E बराबर PC होना जरूरी है, तो पीक बराबर E बटा C होना जरूरी है, और इसलिए इसका जो रेखीय संवेग है इसको आप C से भाग लगा दें, E को C से भाग लगा दें, ये C कट जाएगा, H बाई लैम्डा। ये जब हम जीरो द्रव्यमान विराम द्रव्यमान वाले कणों की बात करेंगे तो हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा करके हम अपनी गणनाएं कर सकते हैं।